तो कैसे है दोस्तों आप लोग, स्वागत है आपका आज की इस फ्रेश वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पढ़कर यहाँ पर जान लिया होगा कि ये हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें एक और स्टॉक के यहाँ पर स्प्लिट होने की न्यूज जो है वो कंफर्म कर दी गई है। कुछ डेट वगैरह यहाँ पर दी गई है और हम लोग ये भी देख लेंगे आज की एक शेयर के बदले आपको यहाँ पर कितना शेयर देखने को मिलेगा, स्टॉक किस रेशियो में यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है, और ये भी जानेंगे साथ में, इसके एनालिसिस करेंगे टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों, कि आपको इस न्यूज बेसिस पर स्टॉक को ले लेना चाहिए या फिर इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। क्या स्टॉक में स्प्लिट का न्यूज है इसलिए आपको इसमें कूद जाना चाहिए, या फिर अपने दिमाग के कुछ हिस्से को इस्तेमाल करते हुए इसे अवॉइड करना चाहिए, कंपनी के सेल्स को, ग्रोथ को, सारी चीजों को यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट को अलग अलग टर्म पे जो है इसको एग्जामिन करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या स्टॉक लेने लायक है या नहीं। और स्प्लिट की जो न्यूज है वो भी मैं आपको स्टॉक के सॉरी वीडियो के मिड में आपको जरूर बता दूंगा। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज कुणाल एंड यू आर वाचिंग मार्केट कैपिटल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं screener.in की वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड का यहाँ पर दोस्तों सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों जैसे सबसे पहले हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें तो 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, यानी कि 1000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। करेंट प्राइस जो दोस्तों वो 643 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा प्राइसिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही कि 1000 करोड़ की कंपनी और प्राइसिंग इसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा मुझे यहाँ पर ओवर वैल्यूड स्टॉक ये शुरू से ही लग रहा था जब से मैंने इसे ट्रैक करना शुरू किया। यहाँ पर आप बुक वैल्यू को भी देख सकते हैं 61.5 का, यानी कि बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 10 टाइम ये ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी कि इस हिसाब से देखा तो स्टॉक बहुत 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 ज्यादा ओवर वैल्यूड है। और यहाँ पर स्टॉक इसके मुकाबले में जो इसकी अर्निंग्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं, अर्निंग के नाम पर दोस्तों ये कंपनी लॉस में है फिलहाल। और जब हम इसके पीएल स्टेटमेंट पे चलेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि पीएल स्टेटमेंट में कितने टाइम से दोस्तों ये लॉस में है, क्या ये इस टाइम पे ही सिर्फ लॉस में आई है या पीछे कुछ सालों से ही ये लॉस में पड़ी हुई है। तो प्राइस के हिसाब से दोस्तों अर्निंग कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पीई रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी यहाँ पर कुछ नहीं दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी चीजें अगर हमको देखने की जरूरत है तो वो है दोस्तों डिविडेंड पे आउट। तो डिविडेंड पे आउट देख सकते हैं 11% के आसपास का डिविडेंड पे आउट है, जो कि इतना कुछ खास यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। और एक चीज जो इसमें देखने की बात यह है कि आप देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 101% माइनस में जा चुका है, यानी कि इसने अगर लॉस किया है तो इसका मतलब इसने लॉस को और ज्यादा बढ़ाया है, ना कि लॉस को घटाया है। ये अभी हम लोग कंफर्म कर लेंगे पीएस स्टेटमेंट में जाके। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर रिटर्न रेशियो की बात कर लेंगे, तो रिटर्न रेशियो जो हमारे तीन रिटर्न रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स, तो ये तीनों रिटर्न रेशियो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। इवन मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि ये कंपनी के प्राइसिंग के हिसाब से जो आपको प्राइसिंग दिख रही है 643 रुपीज, उसके हिसाब से ये दोस्तों बहुत बुरा है। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स। अर्निंग पर शेयर आप जैसा कि जानते हैं अगर प्रॉफिट माइनस में है तो अर्निंग पर शेयर भी आपको यहाँ पर माइनस में ही देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल दोस्तों अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ पर डेटा देखे तो वहां पर यही चीज निकल के आ रही कि कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यूएशन है उससे कंपनी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पर यहाँ पर ट्रेड कर रही है, 643 के लेवल पे, जो कि अभी मेरे ख्याल से एक समझदार इंसान के लिए यहाँ पर पोजिशन बनाना बिल्कुल भी सही नहीं होगी। लेकिन अभी हम लोग कुछ और बेसिस पर भी इसे ट्रैक करेंगे, इसे एग्जामिन करेंगे और देखेंगे क्या ये उस हिसाब से अच्छी है क्या। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस पे आते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से हम लोगों को सबसे पहले डेट देखना पड़ेगा। डेट दोस्तों यहाँ पर 80 करोड़ के आसपास का डेट है। डेट इक्विटी रेशियो देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर हाई है, और डेट इक्विटी रेशियो 0.85 है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 के करीब है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेट को हाई बोलूंगा, हालांकि ये अंडर थ्रेट है, यानी कि ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इतना डेट होने से, लेकिन फिर भी नॉर्मल के मुकाबले जितना एक्चुअल में यहाँ पर कंपनी में देखा जाता है जनरली, उससे यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा डेट देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पर 61.2% है, इसमें इसको फुल मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक जो मेन स्कोर होता है प्रियोटिव की स्कोर, ये बहुत ज्यादा लो है, ये भी दोस्तों एक बहुत ही यहाँ पर खतरनाक नेगेटिव पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। पैग रेशियो भी दोस्तों नहीं दिया गया, क्योंकि पैग रेशियो कैलकुलेशन होगा ही नहीं जब जब जो नेट प्रॉफिट जो है माइनस में जा चुका और प्राइसिंग जो है इतनी हाई जा चुकी है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड 0.01%, जो कि बहुत ही खराब है यहाँ पर। तो इन सभी चीजों को देखने से एक ही चीज यहाँ पर क्लियर होती है कि स्टॉक की प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई है, स्टॉक का वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है, जो वैल्यूएशन है कंपनी की, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर फेस वैल्यू आप देख सकते हैं 10 रुपए के आसपास की देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू ठीक है, अभी तो स्प्लिट होगा तो उसके बाद फेस वैल्यू टूट के नीचे आ जाएगा, और प्राइसिंग जो है वो भी टूट के नीचे आ जाएगी, और नंबर ऑफ शेयर जो है वो आपको यहाँ पर ज्यादा मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोगों को एक ही चीज यहाँ पर मेनली ट्रैक करना है, वो देखना है पीएल स्टेटमेंट, क्या कंपनी प्रॉफिट बहुत अच्छा कर पा रही है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभी ये माइनस में चल रही है, यानी कि नेगेटिव लॉस कर रही है कंपनी, तो उस हिसाब से हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चल के देखना चाहिए। और
देखना चाहिए कि कंपनी कब से लॉस में है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसे बॉटम लाइन भी कहते हैं, टॉप लाइन कहते हैं सेल्स को और बॉटम लाइन कहते हैं नेट प्रॉफिट को। तो नेट प्रॉफिट पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसने अच्छा काम यहाँ पर नहीं किया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा इसने यहाँ पर अच्छा काम नहीं किया है। काफी टाइम से आप देख सकते हैं ये 5 लाख 5 हजार रुपए माइनस में थी, ईयर भी आप साथ साथ देखते चले यहाँ पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 2010 में जो कंपनी 5 हजार रुपए के लॉस में थी, मार्च 2011 में 22 हजार रुपए का इसने प्रॉफिट किया, सॉरी 22 लाख रुपए का इसने प्रॉफिट किया। और ये भी दोस्तों यहाँ पर, हाँ ये 50,000 का लॉस था, सॉरी मैंने 5 हजार बोल दिया, यहाँ पर 50,000 का लॉस था, यहाँ पर इसने 22 लाख का प्रॉफिट किया। फिर 2012 में दोस्तों 26 लाख का प्रॉफिट किया, फिर मार्च 2013 में 13 लाख का प्रॉफिट किया, फिर मार्च 2014 में 60 हजार का प्रॉफिट किया, फिर मार्च 2015 में 20 हजार का प्रॉफिट किया, फिर मार्च 2016 में 8 हजार का प्रॉफिट, सॉरी 80 हजार का प्रॉफिट किया, और फिर मार्च 2017 में 10 हजार का प्रॉफिट किया, फिर मार्च 2018 में 4 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आया दोस्तों। 2019 में आप देख सकते हैं 2 करोड़ 13 लाख का, 2 करोड़ 13 लाख का प्रॉफिट है, और मार्च 2020 में फिर से 4 करोड़ 10 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला, और मार्च 2021 में इसने मात्र 68 करोड़ का, 68 लाख का यहाँ पर इसने प्रॉफिट किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, किसी साल लॉस में, किसी साल प्रॉफिट पे, कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट, कभी बहुत ज्यादा लॉस। और बेसिकली ये जो कंपनी है वो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो लोन वगैरह जो ये कंपनी प्रोवाइड, फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही है और फाइनेंस में ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, हालांकि इस प्राइसिंग के हिसाब से मैं इसमें ज्यादा प्रॉफिट खोजता, अगर कम से कम 25-30 करोड़ के प्रॉफिट अगर ये एनुअली कमा रही होती तब फिर इस हिसाब से ये वाला जो हम लोगों को पेमेंट करना होगा 643 रुपए का, वो तब उस हिसाब से मुझे सही लगता। लेकिन यहाँ पर ना तो अर्निंग उतनी अच्छी है, ना और ज्यादा कुछ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी थोड़ी सी ज्यादा डेट में भी है। तो इन सब चीजों को ओवरऑल कैलकुलेशन करते हुए मेरा तो यही यहाँ पर व्यू निकल गया रहा है कि स्प्रिट न्यूज हो, कुछ भी न्यूज हो, आप इस स्टॉक से दूर रहें, धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड से। और अब जल्दी से हम लोग इस, ये हमारा फंडामेंटली था, अभी हम लोग टेक्निकली भी देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर पैटर्न्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग न्यूज पर चलते हैं, न्यूज जो है वो है ये, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स की यहाँ पर वेबसाइट खुली हुई है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ओल्ड फेस वैल्यू जो वो 10 रुपए की है जो कि अभी हम लोगों का चल रहा है, और जो न्यू फेस वैल्यू होने वाली है वो 2 रुपए की होने वाली है, यानी कि स्टॉक को 5 भागों में डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि अगर ये 600 रुपए पे ट्रेड कर रही है तो उस समय ऑलमोस्ट ये 120 रुपए के आसपास टूट के आ जाने वाली है, फेस वैल्यू भी 10 रुपए से 2 रुपए होने वाला है, और आपके पास अगर 1 शेयर है तो वो आपका 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर रिकॉर्ड डेट देख सकते हैं 14/10/2021 की, यानी कि 14 अक्टूबर जो हमारा अभी रिसेंट आने वाला है 10-15 दिनों में, 10 दिनों में मेरे ख्याल से, क्योंकि 4 तारीख तो आज हो ही गए, 3-4 तारीख कल है, फिर 10 दिनों में जो स्प्लिट हो जाएगा, रिकॉर्ड डेट यहाँ पर 14/10/2021 की आपको देखने को मिली है। तो स्प्लिट न्यूज तो यहाँ पर दोस्तों कंफर्म है, लेकिन स्प्लिट न्यूज के चलते इसमें ले लेना हमारा पोजिशन ये हमारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, और उस हिसाब से स्प्लिट न्यूज को देखते हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा मूवमेंट भी कंपनी में नहीं देखने को मिली है। ये डेली बेस का चार्ट फ्रेम है और डेली बेस के चार्ट फ्रेम पे बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, और स्टॉक का आप अगर चार्ट देखें ध्यान से तो चार्ट भी कुछ इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जैसा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है इसमें, बहुत बड़े बड़े विक्स देखने को मिल रहे हैं, काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है। एक ही दिन में ये 5% के अपर सर्किट दिख रखता है और 5% का लोअर सर्किट भी इसने दिखा रखा है, ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी सी बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 5% का अपर सर्किट भी होगा, 5% का लोअर सर्किट भी होगा, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। उस हिसाब की कंपनी भी नहीं है कि बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट कर रही हो, बहुत अच्छा यहाँ पर इसमें ग्रोथ देखने को मिला, वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको यही सलाह दूंगा कि धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड से आप बिल्कुल दूरी बना के रखिए, भले ही इसमें स्प्लिट का न्यूज हो, कुछ भी न्यूज हो तो उतना इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्प्लिट का न्यूज होने से क्या होगा, आपको क्वालिटी वाले स्टॉक्स तो मिलेंगे नहीं, यहाँ पर क्वालिटी में मुझे वैसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है कंपनी में। बेसिकली यहाँ पर 2 ही 3 जो क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहाँ पर ले रहे हो स्टॉक को, तो कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए, पीएफ स्टेटमेंट में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए, डेट कम होना चाहिए जो कि नहीं है, यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग ठीक है हालांकि वो सेकेंडरी चीज है, यहाँ पर फर्स्ट दो चीजें जो है वो टॉप लाइन और बॉटम लाइन, यहाँ पर दोनों ही चीजें मुझे खराब देखने को मिली, और यहाँ पर रिटर्न रेशियो भी कुछ खास अच्छे नहीं है। तो ओवरऑल मेरा दोस्तों इस पर नेगेटिव व्यू है, अगर आप मेरे व्यू को थोड़ा सा वैल्यू करते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको लेना नहीं है यहाँ पर धनवर्षा इन्वेस्ट लिमिटेड में, भले ही स्प्लिट हो जाए कुछ हो जाए, जाने देंगे इसको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर मेरा व्यू आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना हो या आप कर चुके हो तो फिर ठीक है, और नहीं किया हो तो कर लेना। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी बी सेफ एंड गुड बाय। और हाँ, मेरे अकॉर्डिंग धनवर्षा इन्वेस्ट फाइनेंस से जो भी कंपनी का नाम है इससे दूर रहना।